नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है राज सिंटू कुमार। तो दोस्तों, हम देखने वाले हैं आज की 3 इंच का जॉइंट का कैपिंग कैसे होता है, जिसको बोलते हैं फाइनल पास। तो दोस्तों, 3 इंच का जॉइंट, दोस्तों देखिए दोस्तों, पूरा जॉइंट दोस्तों फिलअप होकर रेडी हो गया, सब कुछ ओके ओके हो गया। तो दोस्तों, हम लोग देखने वाले इसको दोस्तों कैपिंग कैसे होता है। तो दोस्तों, अपना विकास भाई बिल्डर है आज भी, तो क्योंकि जो ये दोस्तों अपने वेल्डर है विकास भाई, तो इसके पहले रूट जो उसके पहले दोस्तों वीडियो आया था, तो ये जॉइंट को ही फिलअप फाइनल सब कुछ किए थे, मतलब फिलहाल रूट फिलअप किए थे। तो दोस्तों, इसके बाद दोस्तों इनका ही वीडियो ये भी कैपिंग करने के लिए भी आएगा, क्योंकि दोस्तों ये भी अभी कैपिंग कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, बिना कुछ सोचे समझे हुए। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू हो गया है और देखिए दोस्तों अभी कैपिंग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कैपिंग करने का दोस्तों देखिए तरीका, देखिए दोस्तों कितना अच्छा दोस्तों तरीका है कि इसमें बस फिलर देना है और दोनों साइड दोस्तों मेल्ट करके जाना है। और दोस्तों, लगभग हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि कभी भी आपको घाई नहीं करना है, मतलब जल्दीबाजी नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, ये भी क्या करना है, भी जल्दी नहीं करना है, बस फिलर दिए हुए बीच से हैं और फिलर को गलाते हुए थोड़ा फिलर को पुश कर रहे हैं और दोस्तों दोनों साइड मेल्ट करके जा रहे हैं। मेल्ट करने टाइम में थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा हो बराबर से कि बीच में रुक भी रहे हैं वो, पर वो दोस्तों नहीं दिख रहा है, पर लेकिन रुक रहे हैं। देखिए दोस्तों, वो देखिए दोस्तों कैपिंग दोस्तों इसका हो गया है, पर दोस्तों आप लोग को नहीं बराबर से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बन रहा है तो बराबर समझ में नहीं आ रहा होगा, पर दोस्तों वो रुक भी रहे थे उसमें। देखिए दोस्तों, अभी इसमें क्या करेंगे, फिर दोस्तों दूसरा जॉइंट दोस्तों चालू करेंगे उधर से। जॉइंट दोस्तों कम्प्लीट जॉइंट हो गया है, क्योंकि आधा जॉइंट मैं शुरू किया था और तो दोस्तों इसके बीच का जॉइंट का वेल्डिंग भी शुरू हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं तो दिखा देता हूँ आप लोग अच्छा से कि दोस्तों कैसे कैसे क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, पूरा जॉइंट दोस्तों थोड़ा जॉइंट हुआ, तो बाकी इसमें थोड़ा सा तो देखिए दोस्तों, अभी दोस्तों मैं इसको थोड़ा दिखाना तो भूल गया था मैं उस टाइम में। तो अभी दोस्तों इसका जो है शुरू हो गया है, अभी फिर से दोस्तों इसका दूसरा जॉइंट का दोस्तों इसका कैपिंग। देखिए दोस्तों, बोल रहे तो घुमा दीजिए इसको अच्छा रहेगा थोड़ा घुमाने के लिए, कि दोस्तों पोजिशन थोड़ा सा मिलना मुश्किल इधर से हो रहा था। तो इधर देखिए दोस्तों, ध्यान से दोस्तों फिर से दोस्तों वीडियो शुरू हो रहा है इधर से दोस्तों फिर से। क्या दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो तो रुका था वीडियो को मैं इसके लिए कि थोड़ा दोस्तों कुछ काम में फंस गया इसके दोस्तों, तो रुका हुआ था मैं थोड़े टाइम के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ दोस्तों अभी शुरू हो गया है इसका कैपिंग। देखिए दोस्तों, और दोस्तों कैपिंग का दोस्तों करने के टाइम दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा आपको, कि आपको फिलर को दोस्तों फिलर पावर दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कि कितना फिलर चाहिए आपको और दोस्तों कितना पावर लेना है आपको, मेन चीज़ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये दो चीज़। तो देखिए दोस्तों, हम मशीन रिमोट जो रिमोट ने रिमोट जो बैठे हुए हैं राजेश भाई हैं बिल्डर में। तो दोस्तों, अभी कंपनी में ये हो गया कि भाई हेल्पर नहीं है इस टाइम में, तो सभी बिल्डर ही बिल्डर सबका हेल्प करते हैं, बिल्डर ही बिल्डर का अपना बिल्डिंग जो मारते रहते हैं सब लोग। सबसे मेन चीज़ दोस्तों क्या है कि एक दूसरे का हेल्प करते हैं सभी आदमी लोग, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है अभी, क्योंकि हेल्पर नहीं है इस टाइम, इसके लिए सभी लोग अभी काम भी नहीं है और हेल्पर भी नहीं है, तो उसके लिए दूसरे को हेल्प करना और एक दूसरे का ही काम करना। इसमें ये भी नहीं होगा कि आप बड़े हैं छोटे से मतलब नहीं। तो दोस्तों, हम लोग दोस्तों आते हैं जो टॉपिक पर आते हैं। देखिए दोस्तों, वेल्डिंग दोस्तों चल रहा है, तो दोस्तों में क्या कर, देखिए दोस्तों फिलर दे रहे हैं और उसको दोस्तों आराम से दोस्तों मेल्ट कर रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई घाई नहीं कर रहे हैं, आराम से दोस्तों बस मेल्ट कर। देखिए दोस्तों, बस फिलर को पुश करना है और उसमें बस मेल्टिंग करना है दोनों एज को। देखिए दोस्तों, आप लोग को बराबर नहीं मालूम पड़ रहा होगा, पर दोनों साइड रुक रहे हैं, जब रुकेंगे दोनों साइड तो ही जा करके फिनिशिंग अच्छा फिनिशिंग आएगा, ज़्यादा नहीं 0.5 सेकेंड रुकना है, लेकिन रुकना तो फिनिशिंग में भूलेगा ही आपको। देखिए दोस्तों, ध्यान देखिए देखिए मालूम पड़ेगा, आपको मालूम पड़ेगा कि जब साइड में आए तो रुक रहे हैं। देखिए दोस्तों, रुक करके फिर जा रहे हैं, देखिए दोस्तों रुक रहे हैं फिर जा रहे हैं, फिर रुक रहे हैं फिर जा रहे हैं। तो दोस्तों, उतना जो जितना देर वो फॉक्स को रोक रहे हैं उतना दोस्तों वहाँ पर मेल्ट हो जा रहा है। तो उससे दोस्तों क्या होगा, आपको कभी भी उसमें अंडरकट कभी भी नहीं आने वाला है, अच्छा से वेल्डिंग होगा। देखिए दोस्तों, टॉप एक बार मैं दोस्तों ये टॉप तक वेल्डिंग आ गया है। देखिए दोस्तों, मुझे दोस्तों उस टाइम दोस्तों फिलअप कैपिंग करे, पर दोस्तों कैपिंग नहीं करे दोस्तों, वो ओनली फिलअप ही हो रहा था उस टाइम दोस्तों। तो अभी दोस्तों देखिए, अभी दोस्तों ये पूरा कैपिंग कम्प्लीट हुआ है। देखिए दोस्तों, पर उस टाइम मुझे लगा कि कैपिंग हो फिलअप होता दोस्तों, कैपिंग हो रहा है, पर कैपिंग उस टाइम नहीं हुआ, ओनली उस टाइम दोस्तों फिलअप हुआ था, जो आपको दिखाया था फर्स्ट जॉइंट दिखाया था वो जॉइंट दोस्तों ओनली फिलअप हुआ था। तो अभी दोस्तों इसका कैपिंग चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया कैपिंग हुआ है, एक नंबर क्वालिटी वाला कैपिंग हुआ है, मस्त कैपिंग हुआ, कोई दिक्कत कैपिंग में नहीं है। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा कैपिंग चल रहा है। और दोस्तों मेन है दोस्तों कला है मूविंग पे और फिलर पे, और दोस्तों मशीन का पावर,
कितना पावर लिए आप हैं। पावर को समझना बहुत ज़रूरी होता है बिल्डिंग करने के समय में कि आप कितना पावर लेकर के और कितना चल रहे हैं। और दोस्तों पावर समझना भी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं बैठा हुआ, मैं बताऊँगा आप लोग को कि पावर समझा कैसा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब आप रोड वेल्डिंग कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको समझना ये चीज़ है कि आपको ज़्यादा पावर कभी भी नहीं लेना है। और ज़्यादा पावर कम पावर कैसे मालूम पड़ेगा आपको, जब आप रोड वेल्डिंग कर रहे हैं तो जब आपका एज ज़्यादा कर रहा है समझ लीजिए कुछ ज़्यादा पावर लिए हुए आप हैं। तो दोस्तों ये चीज़ मैं खुद सीखा हूँ, मुझे कुछ बताया नहीं है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं वेल्डिंग कर रहा था, जब फर्स्ट बार नए नए जब वेल्डर बना था मैं, तो मुझे याद है कि जब मैं वेल्डिंग कर रहा था तो उस टाइम मैं एक वेल्डर आया, मुझे देखा भी कि वो ज़्यादा पावर लिया हुआ है, पर उसने मुझे बताया नहीं कि भाई ज़्यादा पावर तो पावर कम कर लो, बस वो सीधा में देखा और देख कर चला गया। तो वो चीज़ मुझे मुझे बहुत बहुत अभी मुझे बहुत बहुत फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है ये चीज़ कि भाई आपको मालूम है तो उसे बताना चाहिए वो चीज़, भाई आप पावर ज़्यादा लिए हो पावर कम करो, और कैसे पावर समझना है वो चीज़ बताना चाहिए आपको, पर उसने मुझे बताया नहीं। पर ये चीज़ मैं नहीं होने दूँगा कभी भी कि मैं बताऊँगा नहीं, मैं सबको बताऊँगा भाई कितना पावर लेना है, कितना क्या लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ताकि घटता नहीं है किसी का भी। तो ज्ञान जितना आपके पास में है उसको आप शेयर कीजिए, उसको आप बांटिए आप, ताकि आप जब कहीं से ज्ञान बांटेंगे तो आपको भी ज्ञान कहीं से आपको मिलेगा। ताकि वो चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा, और इसके लिए दोस्तों मुझे मैं अपने आप को ये चीज़ मैं सोचता हूँ कि भाई मैं किसी को ये चीज़ ना फील होने दो कि जो मुझे मालूम है वो किसी और को मालूम ना पड़े। वो चीज़ मुझे जो मालूम है सबको बताऊँगा भाई, और सभी लोग अपने अपने हिसाब से आप लोग काम सीखे, काम करें। कोई चीज़ पूछना हो बताना हो अगर तो मुझे आप कमेंट करें, मैं जरूर बताऊँगा भाई मैं आपको। मैं आपको ये नहीं होगा कि आप लोग को जितना मुझे समझ में आएगा, और समझ में दोस्तों बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग बिल्डिंग कर रहे हैं तो बहुत बहुत कुछ समझ में आता है हम लोग को। ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आने की कैसे बात रहेगी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप में लगभग हम लोग पास में बहुत सारे वेल्डर यहाँ पे वेल्डर हैं, फिटर्स हैं, रिगर है, हेल्पर है। जब जो भी चीज़ आपके जिस बारे में पूछना आपको है, मुझे नहीं मालूम है, दूसरे किसी मालूम, दूसरे को मालूम है, उससे पूछ के अभी बात बताया जाएगा आपको। लेकिन पर वो उसका उस बात का जानकारी आपको पूरा मिलेगा, उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत चीज़ जानकारी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी पूरा दोस्तों वीडियो ख़त्म होने वाला आ गया है दोस्तों, और इसका दोस्तों कैपिंग भी दोस्तों कंप्लीट हो गया है। और उस कैपिंग कंप्लीट होने के बाद दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग इस टाइम आ गए हैं, इस टाइम जो पाइप है वो पाइप नीचे रखा गया पाइप। तो देखिए दोस्तों पाइप नीचे रख करके दोस्तों कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। देखिए दोस्तों पूरा जॉइंट कंप्लीट हो गया है। तो देखिए दोस्तों पूरा जॉइंट कैसे दोस्तों दिखता है, देखिए दोस्तों पूरा ओके जॉइंट हो गया, कोई दिक्कत जोर में नहीं है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा वेल्डिंग हुआ है, कोई दिक्कत वेल्डिंग में नहीं है। देखिए दोस्तों पूरा जॉइंट ओके दोस्तों हो गया जॉइंट। तो क्या दोस्तों फिर वीडियो खत्म करते, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मिल करके आपसे बात करेंगे दोस्तों।